क्या आप भी पढ़ने बैठते हैं पर आपका ध्यान नहीं लगता? क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? तो यह वीडियो आपके लिए है। अपनी इस समस्या का समाधान एक अच्छी स्टडी प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, जो आपको पढ़ाई को अच्छा बना सकती है, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी नौकरी पाने, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए तथा मानव जाति के लिए कुछ नया आविष्कार करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, इसीलिए पढ़ाई करने का टाइम भी अलग अलग होगा। किसी स्टूडेंट को सुबह पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो किसी स्टूडेंट को दिन में तथा किसी को रात में। अलग अलग समय पर पढ़ाई करने का अलग अलग फ़ायदे हैं। आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, चलिए आपके बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सही समय पर रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बढ़िया तरीके से रिवीजन करने के लिए क्या तरीका अपनाएं? जब आप सब काम से फ्री हो तो पढ़ाई करें। ऐसा करने से आपका मन पढ़ाई में लगेगा और याद भी होगा। सुबह पढ़ाई करने के फ़ायदे। सुबह के समय दिमाग फ्रेश तथा तरोताज़ा रहता है। नई जानकारी को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। सुबह सुबह मौसम के ठंडक रहता है, इसके कारण आपका पढ़ाई में मन लगता है। सुबह के समय शांत वातावरण होता है, जिसे पढ़ाई में मन लगता है। दिन में पढ़ाई करने के फ़ायदे। अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आती है तो आप अपने दोस्त से तुरंत ही पूछकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दिन में पढ़ाई करने से आपको नींद भी नहीं आती है, ऐसा क्योंकि सुबह देर में जागकर पूरी तरह नींद पूरी कर चुके होते हैं। रात में पढ़ाई करने के फ़ायदे। रात को समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। रात को वातावरण शांत होता है, घर के दूसरे सदस्यों का काम ख़त्म हो जाता है, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। अगर आप रात को देर में सोते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। जिस समय पर आपका अच्छा महसूस हो उसी समय पढ़ाई अपनी रूटीन को शामिल करें, पढ़ाई के रूटीन में शामिल करें। स्टूडेंट को 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है, जिससे उनका फोकस बना रहेगा पढ़ाई पे। जितना आप याद करना चाहते हैं उसे लिख लिख के बार बार याद करें तो 100% याद होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे बाराबंकी लौंडा के चैनल को।